फ्रेंड्स, मैं आज आपको बच्चों को सिखाने के लिए सब्सट्रैक्शन और एडिशन के दो मेथड लेकर आई हूँ। ये है फिंगर मेथड और एक है लाइन का मेथड। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लाइन मेथड हम सबको पता ही होता है, और मैं आज आपको फिंगर मेथड बताऊँगी सबसे पहले। तो फिंगर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फिंगर मेथड में आप एडिशन का देखिए। इसमें आपको बच्चे को सबसे पहले ये सिखाना है कि बच्चा अपने हाथ देखिए और उसमें आप काउंट करें कितने स्क्वायर्स हैं। लाइक वन स्क्वायर मीन्स वन, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व एंड थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, जितना भी आप सिखाना चाहते हैं इधर से स्टार्ट करिए या इधर से स्टार्ट करिए। बट बच्चे को आप जब भी सबसे पहले सिखाएंगे आप उसी पे ही रखिए। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो इधर से ही सिखाइए, इधर से स्टार्ट करना सिखाते हैं तो आप ऑलवेज आगे भी हमेशा इसी तरह से काउंटिंग सिखाइए, ताकि बच्चे को धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाएगा कि यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर फाइव है, यहाँ पर सेवन है, यहाँ पर एट है, यहाँ पर ट्वेल्व आता है। तो इस तरह से बच्चा प्रैक्टिस के साथ आपके लैंडमार्क टाइप्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एडिशन बताऊंगी। एडिशन के लिए बच्चे को बोलना है कि आपके सबसे पहले जो बड़ी डिजिट है और जो नीचे की डिजिट है, जो बड़ी डिजिट है उसके आगे की काउंटिंग करनी है आपको, जब तक कि छोटी डिजिट जितनी है उतनी। जैसे कि पाँच फाइव है, उसके बाद टू है, तो आपको फाइव के आगे दो बार एडिशन करनी है, यानी कि दो बार आपको काउंटिंग करनी है। यानी कि फाइव के बाद दो बार कैसे करेंगे, सिक्स एंड सेवन। तो आपको बच्चे को पता था कि यहाँ पर आपके टू आता है, तो यानी कि ये टू स्क्वायर्स हैं, तो आपको इन यहाँ तक काउंटिंग करनी है, यानी कि फाइव के बाद सिक्स एंड सेवन, ओनली टू स्क्वायर्स को ही आपको काउंट करना है, देन आंसर विल बी सेवन। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। जैसे बड़ी डिजिट है और एक छोटी डिजिट है, तो बड़ी डिजिट को देखना है, उसके बाद छोटी डिजिट तक, जितनी छोटी डिजिट है उतने तक काउंटिंग करनी है। पहले अपने हाथ में देखिएगा, छोटी डिजिट बनाई लिखिएगा, वन एंड टू। आप मार्क भी कर सकते हैं या फिंगर भी रख सकते, थंब भी रख सकते हैं इस पर। तो आपको फाइव के बाद वन एंड टू स्क्वायर में काउंट करना है, फाइव के बाद सिक्स एंड सेवन, दैट्स इट एंड दैट इज़ द आंसर। ऐसे ही अगर फोर प्लस थ्री है, तो मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ यहाँ पे, कि जैसे फोर प्लस थ्री है, तो फिर से आपको बड़ी डिजिट देखनी है फोर, और उसके बाद थ्री स्क्वायर्स को काउंट करना है, फोर के बाद फाइव, सिक्स एंड सेवन, सो आंसर इज सेवन। तो उसके बाद ऐसे ही सब्सट्रैक्शन है। अब हम फिंगर्स पे सब्सट्रैक्शन कैसे समझाएंगे, तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करना है, वही आपको पहले बड़ी डिजिट देखनी है और एक छोटी डिजिट देखनी है। लेकिन इसमें आपको बड़ी डिजिट से स्टार्ट नहीं करना, इसमें आपको छोटी डिजिट से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन है। तो सब्सट्रैक्शन में छोटी डिजिट से स्टार्ट करके फिर से हम जब तक काउंटिंग करेंगे जब तक कि फाइव नहीं आ जाता। तो हमें छोटी डिजिट से स्टार्ट करके टू, थ्री, फोर, फाइव। तो बच्चे को पता होगा कि यहाँ पर थ्री है, या फिर काउंट भी कर सकते हैं वन टू थ्री, और फाइव तक के काउंट करने के बाद आपको स्टॉप करना है, और आपके पास स्क्वायर्स कितने गिनने हैं जितने में आपने काउंटिंग करी है। तो कितने स्क्वायर हैं, थ्री, तो आपका आंसर विल बी थ्री। मैं एक बार फिर से दोबारा से आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। लाइक ये है फोर है, आपको छोटी डिजिट देखनी है क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन है। छोटी डिजिट टू है, तो आपको फोर तक काउंटिंग करनी है और अपने स्क्वायर में गिनना है टू, थ्री एंड फोर। तो आपने केवल टू स्क्वायर से गिने, तो आंसर विल बी टू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बच्चे को आपको बताना है, और उसके बाद आप सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के साथ आप एक वर्ड ऐड कर सकते हो, ताकि जब भी बच्चा एडिशन का साइन देखे तो आपको वर्ड याद आ जाए। लाइक इसमें आपको एडिशन है, तो आपको बिग डिजिट, एडिशन मीन्स बिग डिजिट, यानी कि बिग डिजिट से आपको काउंट करना है। और अगर सब्सट्रैक्शन है तो स्मॉल डिजिट, यानी कि आपको स्मॉल डिजिट से आगे काउंट करना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को हमेशा ही कोरिलेट करेगा कि एडिशन मीन्स बिग डिजिट एंड सब्सट्रैक्शन मीन्स स्मॉल डिजिट, यानी कि उससे आगे आपको काउंटिंग करनी है। तो इस तरह से बच्चे को आप विद प्रैक्टिस बच्चा धीरे धीरे इसमें सीख जाएगा, और बच्चे को याद रहने लगेगा। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, बहुत ही ज़्यादा क्विक मेथड भी है, और इससे बच्चा एक बार समझ आने के बाद बच्चा कभी भी इसको नहीं भूलता है, और ऑलवेज लाइफ टाइम आपकी इसी तरह से एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन चलेगी। दूसरा है लाइंस मेथड, जिसमें जो कि एक बहुत ही कॉमन मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे कि फाइव प्लस टू, या ज़्यादातर हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं जिसकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, वो उतना ज़्यादा कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाता, तो हम लाइंस के थ्रू से समझाते हैं। लाइक अगर एडिशन है, तो हम फाइव के सामने फाइव लाइंस लगाएंगे, और छोटी डिजिट के सामने भी सेम लाइन, जितने भी डिजिट है उतनी ही लाइंस लगाएंगे, और उनको वी विल काउंट देम टुगेदर, लाइक वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन।
तो 7 आ गया. तो हमें सब एडिशन के साथ ऐड करना है काउंटिंग टुगेदर, यानी कि हमें टुगेदर काउंट करना है और आंसर लिखना है. ऐसे ही हम सब्सट्रैक्शन में करेंगे. सब्सट्रैक्शन में क्या होगा कि हमें सिर्फ जो बिगर डिजिट है या ऊपर वाली डिजिट है उसी के सामने हमने लाइंस लगानी है, और जो छोटी डिजिट है उतने ही हमें यहाँ पर कैंसिल कर देने हैं. जैसे यहाँ पर छोटी डिजिट 2 है तो हमें 2 कैंसिल कर देने हैं, और उसके बाद हाउ मेनी लाइंस वी आर लेफ्ट वो आपको काउंट करनी है, 1, 2, 3, एंड उसको आंसर में लिख देना है. तो सब्सट्रैक्शन के साथ आपको हाउ मेनी लाइंस आर लेफ्ट ये लाइन याद करानी है, अगर आप लाइन मेथड से सिखा रहे हैं. अगर एडिशन के साथ आपको काउंटिंग टुगेदर की लाइन याद करवानी है, और सब्सट्रैक्शन के साथ आपको हाउ मेनी लाइंस आर लेफ्ट ये वाली लाइन याद करवानी है, अगर आप लाइन मेथड से करा रहे हैं. और मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, फिंगर मेथड मींस एडिशन मींस बिगर डिजिट एंड सब्सट्रैक्शन मींस स्मॉलर डिजिट. तो इस तरह से बच्चे को आप धीरे धीरे समझाइए, और बच्चे विद प्रैक्टिस बच्चा इसमें बिल्कुल मास्टरी कर लेगा. आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी. सो थैंक यू.